अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग जो है वो खैर खैरियत से होंगे। एक और वीडियो के साथ जो है मैं आप लोगों के सामने पेश खिदमत हूँ। आज के जो वीडियो है बड़ी मेहनत के बाद जो है बनाई गई है, क्योंकि आज जो है हम अनबॉक्सिंग करेंगे इस वीडियो में 4KVA का जो मॉडल है 2020 का। ये 2020 का लास्ट है और इस वजह से जो है मैंने बड़ी मुश्किल से जो है ये वीडियो शूट किया। तो इसमें पहले तो स्पेशल थैंक्स जो है मैं बोलना चाहूँगा वैद साहब का और उनकी पूरी टीम का, जो कि बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव रही है इस मामले में, और उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा इसमें जो है हेल्प की इस वीडियो को शूट करने में, उनका जो है बहुत बहुत शुक्रिया। तो सेकेंडली जो है इस वीडियो में जो है आप लोग देखेंगे कि हम जो है एक छोटा सा कंपैरिजन भी करेंगे 2019 और 2020 के जो 4KVA का मॉडल है, कि कंपनी जो है कंपनी ने इसमें कौन सी चीज़ें जो है इम्प्रूव की हैं। और दूसरी जो चीज़ है कि एक मैं सोच रहा था कि एक यूनिक सी चीज़ जो है वो होनी चाहिए, जिसमें मैंने एक उनके जो ऑथराइज डीलर हैं ग्रोवार्ड के, एक्सपर्ट बाई ग्रोवार्ड के, उनके साथ जो है मैंने एक क्वेश्चंस आंसर का भी एक सेशन रखा है, जिसमें कमेंट्स में पूछे गए क्वेश्चंस का जो है मैंने उनसे जो है वो आंसर्स लिए हैं। तो ये वीडियो जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग होगी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने कोशिश करके जो है इस वीडियो को जो है वो एक दफ़ा पूरा वॉच कर लीजिएगा। आई होप कि इससे अगर 1% भी जो है लोगों में जो है कोई नॉलेज में इजाफा होगा, तो मैं समझूंगा कि एक अच्छा काम जो है हम लोगों ने किया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो है एज़ यूजुअल जो है आप सब लोगों से गुजारिश यही होती है कि प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दिया करें और इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और चलते हैं, अब हम इस वीडियो को जो है प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अगेन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आज जा रहा हूँ 4KVA 2020 मॉडल की अनबॉक्सिंग के लिए। तो मैं मौजूद हूँ जी हाल रोड पे, आप लोग देख सकते हैं ये हाल रोड है लाहौर, और मैं मौजूद हूँ जी आज चीफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ये ग्रोवार्ड के जो हैं ये ऑफिशियल जो हैं ये डीलर हैं लाहौर में। उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में जो है ये सप्लाई करते होते हैं ग्रोवार्ड के इन्वर्टर्स हो गए, और उसके अलावा जो है मतलब कि सोलर पैनल्स हो गए और कंट्रोलर हो गए, चार्जर हो गए, सब चीज़ें जो हैं आप लोग देख सकते हैं। चलते हैं जी अब हम अंदर इनकी शॉप पे और देखते हैं आज ग्रोवार्ड का 2020 4KVA का इन्वर्टर। आप लोग देख सकते हैं जी ये है इनकी ऑथराइज्ड जो है शॉप है, इनकी ऑफिस भी यही है लाहौर में इनका। ये आपको सब इन्वर्टर्स वगैरह जो हैं ये नज़र आ रहे होंगे। आपने अगर कोई भी इन्वर्टर जो है ग्रोवार्ड के हवाले से अगर आप लोगों ने मंगवाना है तो आप लोग जो है उनसे मंगवा सकते हैं, मुकम्मल लाइबिलिटी के साथ जो है ये आपको कोरियर करवा देंगे। पैनल्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे, पैनल्स जो हैं ए ग्रेड पैनल्स जो हैं इनके पास चीता सीरीज़ में ग्रोवार्ड के जो हैं वो भी मौजूद हैं। आज जो है हम सारा जो है इनसे डिस्कस करेंगे कि इनकी प्राइसेस वगैरह क्या हैं, और उसके अलावा जो है इनकी वारंटी वगैरह कितनी है इन्वर्टर्स की, और इनके पास जो है ग्रोवार्ड के अलावा भी कोई अगर इन्वर्टर इन लोगों के पास मौजूद हो तो। ये सर्टिफिकेशन है जी इनकी चीफ इलेक्ट्रॉनिक्स लाहौर पे ग्रोवार्ड की, आप लोग देख सकते हैं अमार काजी साहब हैं यहाँ पे। पूरे पाकिस्तान में जो है इनके जो है सर्विस सेंटर्स भी मौजूद हैं, वो भी इनसे डिस्कस करेंगे कि इनके सर्विस सेंटर्स वगैरह जो है वो कहाँ पे मौजूद हैं। सर्विस सेंटर पे इनकी जो है वो अपीयरेंस कैसी है, ये इन्वर्टर्स भी जो है आप लोग देख सकते हैं। ये रेवो जो है 3.5 किलोवाट 120 एम्पीयर्स एमपीपीटी बेस चार्ज कंट्रोलर, ये इसकी जो वीडियो है ऑलरेडी जो है
मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और दूसरा जो है, आज जो हम जो है वो रिव्यू करेंगे, आज हम रिव्यू करेंगे रेवो का ऑन ऑफ ग्रिड जो है ग्रोवार्ड 4KVA 2020 का जो मॉडल है, ये आप लोग देख सकते होंगे ग्रोवार्ड का 4KVA का जो है 2020 का मॉडल है ये। इसकी अनबॉक्सिंग भी होगी और इसके अलावा इसको ऑन करके भी दिखाएंगे, इसके फीचर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, वारंटी दो ईयर की जो है ये वारंटी दे रहे हैं, वारंटी में क्या क्या चीज़ें हैं इनकी, सर्विस सेंटर पर रिस्पॉन्स इनका कैसा है, अगर आप लोगों ने जो अगर ये इन्वर्टर लेना है तो आप लोग फील फ्री कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इन लोगों का कॉन्टैक्ट वगैरह सब चीज़ मौजूद होगी, आप लोग जो है एक लाइबिलिटी के साथ जो है ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने का तरीका भी जो है मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरह जो है आपने ऑर्डर करना है। ये 3.2 किलोवाट का है, ये रेवो का है, ये 3.5 किलोवाट पीएम 3 प्लस है, इसकी अनबॉक्सिंग जो है ऑलरेडी मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। इसके अलावा जो है ये है 5.5 किलोवाट, ये भी जो है VM3 प्लस है, इसकी अनबॉक्सिंग भी जो है इंशाल्लाह एक सीरीज़ मैंने शुरू करनी है, नेक्स्ट वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग भी लाएंगे। और एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 2021 के जो मॉडल्स हैं इंशाल्लाह सोन जो है वो भी आप लोगों के सामने जो है हम लाएँगे। ग्रोवार्ड का जो एक्सपीरियंस है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा है, पर्सनली जो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, क्योंकि ये मेरे पर्सनल यूज़ में भी है, मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, 1.5 से 2 साल मुझे हो चुके हैं। तो अब इंशाल्लाह जो है हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, अनबॉक्सिंग करके भी आप लोगों को दिखाएंगे कि इस इन्वर्टर के साथ कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इसमें उन लोगों ने जो है ग्रोवार्ड ने जो है 2019 और 2020 के मॉडल में अब जो है कौन कौन सी चीज़ें जो है इसमें उन लोगों ने चेंज की हैं, इसमें 2019 और 2020 का कंपैरिजन भी करेंगे इंशाल्लाह जो है। अगर आप लोगों ने ऑर्डर करना हो तो फील फ्री आप ऑर्डर कर सकते हैं, अगर मेरे सब्सक्राइबर यहाँ पे आके ऑर्डर करेंगे या वैसे ऑर्डर करेंगे तो उनके लिए इंशाल्लाह स्पेशल डिस्काउंट भी होगा। तो चलते हैं, अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि इस इन्वर्टर के साथ कौन कौन सी चीज़ें हैं। अस्सलाम वालेकुम अगेन जी, देख सकते हैं आप 4KVA 2020 का मॉडल, इसमें जो है डस्ट किट जो है जो 2019 में नहीं थी, कंपनी ने अच्छा किया है, कब इसमें IP65 भी इनेबल है, मतलब कि इसके बोर्ड के ऊपर आपको कोटिंग भी मिलेगी और उसके अलावा जो है डस्ट किट भी इसके साथ ऑलरेडी जो है लगी हुई है, देख सकते हैं आप। आ गया यार, ठीक है मैम। इसके साथ जो है आउटपुट पे जो है आप लोग जो है इसके साथ 3.2 किलोवाट तक का मैक्सिमम लोड जो है आप लोग इससे ले सकते हैं। सेटिंग्स आप लोग देख सकते हैं इसके, इसको हम आपको अनबॉक्सिंग के अलावा इसको चला के भी दिखाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं इसके साथ। अभी जो है हम आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे कि कंपनी ने जो है इस इन्वर्टर के साथ कौन कौन सी जो है वो चीज़ें दी हैं। तो फर्स्ट पे जो है वो डाटा केबल है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि इसको जो है आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ अटैच करके जो है आउटपुट इन्वर्टर की देख सकते हैं। सेकंड पे जो है ये CD है, इसका में सॉफ्टवेयर जो है वो है जो आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में पहले करेंगे ताकि आप इन्वर्टर की आउटपुट देख सकें। थर्ड पे जो है वारंटी कार्ड है, वारंटी कार्ड के बारे में मैं बताना चाहूँ कि ये इसमें कंपनी 2 साल की वारंटी दे रही है, 1 साल की वारंटी जो है इसमें प्रोडक्ट और पार्ट्स की, मतलब कि 1 साल में अगर कोई भी पार्ट डैमेज होता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको चेंज करके देंगे। सेकंड ईयर में जो है मतलब कि अगर कोई पार्ट डैमेज होता है तो उसके जो वैल्यू होगी वो परचेज़र पे होती है, बाकी जो उसको रिप्लेसमेंट है उसकी सर्विस जो है वो कंपनी की तरफ से फ्री होती है। अब इस इन्वर्टर की जो है ना आउटलुक की बात कर लेते हैं। आउटलुक की जहाँ तक बात है तो देखने में जो है माशाल्लाह बहुत ही प्यारी जो है इसकी लुक है एज़ कम्पेयर टू 2019 मॉडल। कुछ दोस्तों को जो है 2019 मॉडल ही अच्छा लगता होगा, मैं क्योंकि खुद जो है 2019 मॉडल ही इस इन्वर्टर का जो है इस्तेमाल कर रहा हूँ। माशाल्लाह जो 2020 का मॉडल है ये भी देखने में जो है बहुत खूबसूरत है। अब बात कर लेते हैं इसके पैरामीटर्स की, के इसके पैरामीटर्स में जो है कि कंपनी ने चेंजिंग की है कि नहीं की।
सामने आप लोग देख रहे होंगे कि दो फैंस हैं, बाकी जो पैरामीटर्स हैं वो लिखे हुए हैं कि बैटरी 24 वोल्ट एसी है, एसी आउटपुट जो है आपने यहाँ पे करनी है एसी इनपुट्स के साथ है, उसके अलावा ये डी जो इनपुट ब्रेकर है इसका और फैंस की इजी रिप्लेसमेंट है, मैक्सिमम वोल्टेज जो है 500 वोल्ट डीसी है पैनल्स के, और उसके अलावा जो है ये आप सामने दो पोर्ट्स आपको नज़र आ रही होंगी, इसमें जो है आप वो डाटा केबल अटैच करके जो है इसका मैक्सिमम या मिनिमम जो है आप इसका देखना चाहें आउटपुट लोड जो है इन्वर्टर का तो वो देख सकते हैं। अब इसके दूसरे पैरामीटर्स पे आ जाते हैं कि कंपनी ने जो है आया कि कोई चेंजिंग की है कि नहीं की। ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है इसका जो है वो है 0 to 55 डिग्री C। मैक्सिमम पैनल्स जो हैं मैक्सिमम पैनल्स आप इसके साथ 4000 वाट्स तक के लगा सकते हैं। आउटपुट की जहाँ तक बात की जाए तो वो कंपनी क्लेम कर रही है 3500 वाट्स, जबकि जो है इससे में इसे आप जो है 3200 वाट्स तक ले सकते हैं। नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है इसके 360 वोल्टेज हैं और मैक्सिमम जो है वोल्ट डीसी हैं और मैक्सिमम जो है 450 वोल्ट DC हैं। पीवी वोल्टेज रेंज जो है 120 से 450 वोल्ट DC है, मतलब आपको इसके साथ जो है 6 पैनल्स 250 वाट्स के लगाने पड़ेंगे। ग्रिड की आउटपुट की बात की जाए तो 230 वोल्ट 230 भी ले सकते हैं, 220 भी ले सकते हैं। नॉर्मल आउटपुट जो है आप इससे 14.5 एम्पेयर्स ले सकते हैं और मैक्सिमम इनपुट करंट जो है आप इसके साथ जो है 60 एम्पेयर्स तक ले सकते हैं। बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो आप इसके साथ जो है 600 एम्पेयर्स तक की जो है बैटरी इसके साथ आप अटैच कर सकते हैं। अभी इसके साथ हमने जो है वापडाइन भी कर दी है, आप इसके साथ अपनी वोल्टेज जो है अपनी मर्ज़ी के इसके साथ रख सकते हैं। आउटपुट पे लेना चाहें मतलब 220 230 240 जो है अभी जो है वापडा से जो है 240 वोल्ट आ रहे हैं। एलसीडी का डिस्प्ले भी देख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से अगर इसकी सेटिंग चेंज करना चाहें आप फॉल्ट मोड में जाएंगे। फॉल्ट मोड में जाने के बाद जो है यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से यूएसबी ये मैंने वैसे सारी जो है सेटिंग्स इसकी ऑलरेडी बताई हुई है मैंने अपने चैनल पे, लेकिन फिर भी एक दफ़ा बता देता हूँ। यू स्टैंड फॉर होता है इसका यूटिलिटी मींस के वापडा, एस स्टैंड फॉर सोलर होगा और बी बैटरी होगा, मतलब कि अगर आप इसको यूएसबी पे रखेंगे तो पहले ये वापडा से लेगा उसके बाद सोलर देन बैटरी। तो दूसरी सेटिंग जो है इसकी बाकी सेटिंग्स आप लोग इसके ऊपर देख सकते हैं। अगर आप मंथली रिकॉर्ड लेना चाहें आप वो ले सकते हैं, दिन का लेना चाहें वो ले सकते हैं, साल का इसका डाटा लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो अगर किसी ने ये ऑर्डर करना हो तो वो डिस्क्रिप्शन में जो है उसका एड्रेस वगैरह आप लोगों को मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आप ऑर्डर कर सकते हैं। अभी हम जो है इनके जो ऑनर्स हैं उनके पास चलते हैं और उनसे क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, इसकी प्राइस वगैरह और इसकी फर्दर जो है डिस्क्रिप्शन। अस्सलाम वालेकुम जी, अभी हम क्वेश्चन आंसर का जो है हम शुरू करेंगे। ये हैं जी उवैस साहब, ये जो लाहौर का जो इनका हेड ऑफिस है वहाँ पे होते हैं। अभी हम इनसे जो पूछेंगे कि इस ग्रोवार्ड के बारे में, ओवरऑल कंपनी के बारे में भी रिव्यू लेंगे कि जी इनकी कंपनी जो है कितने साल से है। अस्सलाम वालेकुम उवैस साहब। उवैस साहब, आपकी जो ये कंपनी है ग्रोवार्ड, इसके साथ जो है आप लोग कितने सालों से अटैच हैं? सर बेसिक हमने दूसरे इन्वर्टर्स को भी काफ़ी प्रेफर किया है, काफ़ी साल तक उनके भी इन्वर्टर्स चले हैं, तो उनमें सबसे अच्छा ग्रोवार्ड का रिजल्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह हम 4-5 साल से ग्रोवार्ड के साथ हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका अल्हम्दुलिल्लाह, और कस्टमर भी प्लस है इसकी वजह से, और सर्विस क्लेम भी इसका बहुत अच्छा है। 1 डे क्लेम है, 2nd डे आपको मिल जाता है इन्वर्टर कोई मसला मसाइल होता है तो बस ये बहुत अच्छी चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोवार्ड ने बनाई है और हम तकरीबन 4 साल से इसके साथ चल रहे हैं। सही, अच्छी कंपनी चल अच्छा, रही है। अच्छा उवैस साहब, आपका हेड ऑफिस जो है ग्रोवार्ड का ये कहाँ पे है? सर बेसिक हेड ऑफिस ग्रोवार्ड का कराची में है, मेन ऑफिस। सही, जो जिसके हम जिन्होंने हमें डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर जैसे पाकिस्तान को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं माल, और जैसे बड़े अपना मतलब इस जो आपके सब सेंटर्स हो गए। जी बिल्कुल सही, तो आपके जो सब सेंटर्स हैं
या सर्विस सेंटर जिनको आप कह लें, वो कौन कौन से शहरों में है? सर सर्विस सेंटर एक तो मेन है कराची में है, मेन सर्विस सेंटर, और उसके बाद एक लाहौर में बनाया हुआ है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 4-5 इंजीनियर्स हैं और वन डे क्लेम देते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात ये है कि सर हमारे पास एक लाहौर में है सर्विस सेंटर, एक कराची में है, सखर में है, हैदराबाद में है, और पेशावर में है, मुल्तान में है, रहीम यार खान में है, बहुत सारे सर्विस सेंटर्स हैं जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास क्लेम बहुत अच्छी तरह से होता है। सही। अच्छा अब आते हैं कि जिस इन्वर्टर की हमने अनबॉक्सिंग की है ये 4KVA है, 2020 का मॉडल है, 2019 का जो मॉडल है उसकी भी जो है अनबॉक्सिंग वगैरह मौजूद है, रिव्यूज़ परफॉर्मेंस वगैरह भी मेरे चैनल पे मौजूद है, मतलब कि जिसने भी देखना वो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो कंपनी ने जो है ये ग्रोवार्ड का जो है 2020 का जो मॉडल है इसमें डिफरेंस क्या है, मतलब कि कंपनी ने कौन कौन सी चीज़ें जो है इसमें ऐड की हुई हैं? सर 2020 और 2019 के मॉडल में फ़र्क, सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है कि ये ऑन और ऑफ ग्रिड बना दिया है। सही। ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर बूस्ट एंड बक AVR बिल्टन कर दिया। सही। जैसे कि विद स्टेबलाइजिंग इसके अंदर बिल्टन है। सही। जैसे पिछले इन्वर्टर्स में हमें ब्रेकर्स लगाने पड़ते थे और इसमें ब्रेकर्स की कोई ज़रूरत नहीं होती, वैसे अपना ज़रूरी है, ब्रेकर लगा सकते हैं हम और लगाना भी चाहिए, लेकिन अगर कोई इन्वर्टर में ब्रेकर नहीं लगाता तो इसमें बूस्ट एंड बक AVR बिल्टन होता है और 90 वोल्ट से 285 वोल्ट तक ये वर्क करता है। और दूसरी चीज़ इसमें ये है कि ये ऑन ऑफ ग्रिड दोनों पे वर्क करता है। तो और अपना इसके अलावा ये इसमें वोल्टेज में डिफरेंस आ गया है, जैसे 4000 वाट का ये जो मॉडल बना है इसमें 6000 वाट सोलर कैपेसिटी है इसके अंदर, और इसका जो 6KVA का मॉडल है उसमें 8000 वाट सोलर कैपेसिटी दी गई है। सही सही। अच्छा इसमें जो एक ग्रिड टाई का जो ऑप्शन दिया गया है तो ग्रिड टाई से क्या आप मतलब कि क्या मुराद है, मतलब कि आम लोगों को जो सादा लोग हैं मेरी तरह जो हैं वो जानना चाहें कि ग्रिड टाई का ऑप्शन क्या है वो? जी सर ग्रिड टाई का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक इन्वर्टर सिस्टम लगा हुआ है और आपके पास बिजली आप है ना उसको नेट मीटरिंग करना चाह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि मेरे को बिजली रिवर्स करनी है, आपने अपना वापडा वालों को रिवर्स करके उसको अपना बिजली को अपने पास वापडा वालों के पास स्टोर करनी है आपको बिजली, तो आप इसको ग्रिड टाई के उस पे सूरत हाल पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सही, मतलब नेट मीटरिंग का ऑप्शन भी है। जी सर नेट मीटरिंग का ऑप्शन है। अब बात आते हैं मेन मुद्दा जो है मतलब कि इसकी प्राइस। जी सर देखें मतलब कि जो सोलर इंडस्ट्री है इसमें बहुत सारे इन्वर्टर्स जो हैं, एक कंपटीशन भी चल रहा है, इन्वरेक्स है, फोनस है, उसके अलावा जो है क्राउन है, टेस्ला है, ग्रोवाट है, और भी बहुत सारे इन्वर्टर्स जो हैं आजकल आ चुके हैं मार्केट में। तो प्राइस के लिहाज से, स्पेसिफिकेशन के लिहाज से बताएं कि इसकी प्राइस आजकल जो है, मतलब कि आज की डेट अगर है 21 दिसंबर 2020 है तो आज के दिन में इसकी प्राइस जो है वो क्या है? सर देखें इसकी एक तो मैं अहम बात बताना चाहूँगा कि डॉलर की वेरिएशन की वजह से हमारे पास प्राइस अप डाउन होती हैं, लेकिन इस वक्त इसकी प्राइस 68,500 आपको मिलेगी इस वक्त जो हम सेल कर रहे हैं। सही। तो और मतलब कि 60,500 रुपए 68,000 ओके 68,500 68,500 रुपए का 4KVA का जो है। ठीक है जी सर। अच्छा तो, अगर तो मेरा कोई सब्सक्राइबर जो है मतलब कि आप लोगों के पास आता है या वैसे ऑर्डर करता है तो उसके लिए कोई स्पेशल डिस्काउंट भी होगा? जी सर बिल्कुल होगा आपके सब्सक्राइबर्स के लिए, क्योंकि आप हमारे लिए काबिले मोहतरम है और अल्हम्दुलिल्लाह आपसे हमारा ताल्लुक भी है और आपने हमारा इन्वर्टर यूज़ भी किया है, 2-3 साल पुराना इन्वर्टर आपने माशाल्लाह से यूज़ किया है हमारा और आपको रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिला है, तो इंशाल्लाह ताला आपके इसी तरह आपके सब्सक्राइबर्स को भी हम डिस्काउंट देंगे इंशाल्लाह ताला। आपके सब्सक्राइबर्स को इंशाल्लाह हम 1,000 रुपीज़ डिस्काउंट देंगे 67,500 का इंशाल्लाह आपके सब्सक्राइबर्स के लिए। जज़ाकअल्लाह जी, जज़ाकअल्लाह, बहुत खुशी हुई आपने वक्त दिया, वैसा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो पसंद आए तो आप सब लोगों से गुजारिश होगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जो है वो शेयर करें,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपनी दुआओं में जो है आप लोगों ने याद रखना है, और अल्लाह